अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली रेसिपी है ये कॉयल रेसिपी। तीतर पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना, थोड़ा घी डालना, चाहे तो पूरा घी भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा ऑयल थोड़ा घी डाल रही हूँ। दो बड़े प्याज लेना, दो बड़े टमाटर, चार कायल, खड़ा मसाला, सिनेमन स्टिक, चार से पांच लौंग, दो हरी इलायची, पांच से दस काली मिर्च, गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालती, खड़े मसाले। उसके बाद प्याज डालना, प्याज लाल करना, प्याज लाल होने के बाद प्याज दाल होने के बाद एक स्पून मिर्ची पाउडर, एक स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ स्पून हल्दी, एक स्पून टेस्टिंग पाउडर डालकर मिक्स करने के बाद टमाटो डालना, अदरक लहसुन पेस्ट दो स्पून, ज़रूरत के हिसाब से नमक,
फिर इसमें पानी डालूँ हीटर, चार हीटर, सिंपल इजी रेसिपी है, आप इसे स्टीम राइस के साथ खा सकते हैं। ग्रेवी के हिसाब से बनाना, मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। मैं इसमें एक स्पून दही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं। सब मिक्स करके उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। मैं सिर्फ दाल के साथ राइस और ये साइड में बना रही हूँ। थोड़ा पानी डालें, डालकर इसे पकने छोड़ें 20 मिनट तक, एक अच्छा कुक हो जाएगा। देखो ये पक चुका है, कुछ भी इसका निकल रहा है। चाहे तो ये 15 मिनट में भी पक सकता है। मैं अभी ये ग्रेवी नहीं चाहिए मुझे, ये ग्रेवी भी थोड़ा अभी थोड़ा पकाऊंगी मैं, पका कर प्लेटिंग के लिए रेडी करूँ। इस तरीके से बनाकर देखते हैं। हेलो हाफिज गाइस।